दुनिया भर की बड़ी कंपनियों में भारतीयों की धाक बढ़ती जा रही है। पराग अग्रवाल के ट्विटर के सीईओ बनने के बाद एक और भारतीय लीना नायर को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनैल ने लंदन में अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। अभी तक वो यूनिलीवर में सीएचआरओ के पद पर थी। 1 जनवरी से लीना नायर शनैल में शामिल हो जाएंगी। जब कभी भारतीय मूल का कोई शख्स दुनिया के नक्शे पर भारत का नाम रोशन करता है तो हर किसी को फख्र होता है, लेकिन अगर वो महिला हो तो सीना और चौड़ा हो जाता है। लीना नायर एक बेहतरीन लीडर तो हैं ही, लेकिन वो अपने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखती हैं। लीना नायर उन लोगों में से हैं जो मुंबई के ताज होटल पर हुए आतंकी हमले में फंस गई थी। शनैल इंटरनेशनल ब्रांड है जो अपने सूट, हैंडबैग और नंबर 5 परफ्यूम के लिए पहचाना जाता है। लीना अगले साल जनवरी में कंपनी में आधिकारिक तौर पर शामिल हो जाएंगी। लीना नायर महाराष्ट्र के कोल्हापुर की रहने वाली हैं। उन्होंने स्कूलिंग महाराष्ट्र के कोल्हापुर के होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल से की है। सांगली में वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से लीना ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने जमशेदपुर के जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए की डिग्री ली। यहाँ लीना अपने बैच की गोल्ड मेडलिस्ट भी रही। उन्हें पिछले महीने ही फॉर्च्यून इंडिया ने मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में शामिल किया था। शनैल ज्वाइन करने के बाद लीना ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, शनैल में बतौर सीईओ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। शनैल एक प्रतिष्ठित कंपनी है। मुझे हमेशा इस बात का गर्व रहेगा कि मैंने यूनिलीवर में काम किया। सोशल मीडिया पर मिल रही बधाइयों को लेकर लीना ने लिखा, मैं हर एक व्यक्ति का कमेंट पढ़ रही हूँ। मैं हर एक का जवाब नहीं दे सकती, लेकिन इस प्यार के लिए आप सभी का धन्यवाद। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों में भारतीय मूल के सीईओ हैं। इनमें माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट में सुंदर पिचई, अडोब में शांतनु नारायण, IBM में अरविंद कृष्णा और हाल में ट्विटर के सीईओ बने पराग अग्रवाल शामिल हैं। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।